आओ खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी कीर्ति गाइए जो साडा जीवन सफला हो सके। गुरु नानक साहिब तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे रुतबे बाबत गुरु ग्रंथ साहिब दी अगमी बाणी ए फुरमान करदी है, मोहर लाउंदी है, पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिसका रूप। गुरु ते परमेश्वर एक ने। मूरतां ते जिन्नियां तुसीं देखदे हो, मैं हाँ जां तुसीं हो, सारियां ही रब ने घड़ियां, पर सफला मूरत अजमत दे सहित, कला दे सहित अकाल पुरख दी गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने। तो जेड़ा ट्रांसेंडेंट लॉर्ड है, हर जरे च प्रगट है, ही इज कॉल्ड गुरु गोबिंद सिंह। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह दुनिया दे उत्ते प्रगट होए और बचित्र नाटक विच अपनी ऑटोबायोग्राफी पिछले जन्म दी लिख दिती। देखो साडी जेड़ी हस्ती है, सानू नहीं पता पिछे असीं कौन सी ते अगां असीं की बनना है। कतकी माई बाप कत केरा किदू थावहो हम आए, किथों आए हैं, केड़े केड़े जन्म असीं भोगे ने, किन्ना कर्मा करके जूना भोगियां ने, असीं कुछ नहीं जानते। पर गुर करता गुर करणहार गुरमुख सची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुरदेव तो बाहर कुछ भी नहीं है, नथिंग इज बियॉन्ड गुरु गोबिंद सिंह। वो सब जानता है क्योंकि दुनिया का करता है, दुनिया का रचनहार है। फारसी विच भाई नंद लाल ने यह जिक्र किया है, आलम उल अस्तार गुरु गोबिंद सिंह, अबरे रहमतबार गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह इस आलम दियां छुपियां ते गुप्त गल्लां नूं जानदा है जो चौहां युगां दरमियान वापरियां ने, क्योंकि वो चौहां युगां विच आप प्रगट है। तो सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेसर। अबरे बदलां नूं किया जांदा, रहमत मेहरबानियां, किरपा मेहरबानी बख्शिश एदा बदल है। गुरु गोबिंद सिंह मन की झोली नाम नाल भर दिंदा ते तन की झोली पदार्थां नाल भर दिंदा। तो सब जानता है, पिछले जन्म की बात पाउंदे ने जदों दुष्ट दमन सन। कहंदे मैं इसे ही मात लोक दे एक हिस्से सप्त सिंह जिथे हिमकुंट है तपस्या करदा रहा अपने निर्गुण स्वरूप अकाल दी। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जेहे बिद मोहियानो, मैनू मेरे निरअकार निरंकार अकाल स्वरूप ने सद्या है। कहंदे इधर परबतां ते बैठे हो, ये चोला छड्ड दिओ, ये शरीर छड्ड दिओ, हुण तुहाडा समा आया है गुरु नानक दे तख्त दे, मेरे तख्त दे तुसीं दसवें वारस बनना है। मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्रचर करबे कह साजा। दुनिया दे उत्ते पंथ चलाउणा है। गुरु नानक साहिब ने जिहड़ा सिख धर्म चलाया इहनूं खालसा पंथ विच तब्दील करना है, सिख नूं सिंह बनाउणा है। कहंदे मैं हथ जोड़ दित्ते, चाहुंदा ते नहीं सी, दुनिया ते फिर आना पिया। तो मैं क्या महाराज अकाल पुरख नवा रस्ता चलाना है, इत्थे बड़ियां पगडंडियां ने, जे मैं डांग लैके खलो भी गया तो झगड़ा होगा, लोग गिझे ने जिस रस्ते ते चलन, किवें वह रस्ता बदलिया जा सकता है। लोग कबरां पूजते ने, मूरतां दे पुजारी ने। मैं तुहानू अकाल पुरख नूं जपना ते तुहाडा ही नाम जपाउणा है, किवें होवेगा। कहंदे अकाल पुरख ने आख्या सी तुसीं मेरे फरजंद, मेरा रूप हो, मेरी सारी जायदाद तुहाडी, मेरी सारी करामात तुहाडी, कहते मैं हामी भर दी। समा आया मोर पित पुरब कियस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना। मेरे पिता गुरु तेग बहादुर अकाल पुरख दे नौवें सरगुण स्वरूप गुरु नानक दे तख्त दे वारस तीर्थां ते विचर रहे ने। ये पंक्तियां पढ़ के कई मेरे अनभोल वीर वो कह दिंदे जी ये ते ब्राह्मणवाद की गल है, दसम बाणी फिर ब्राह्मण ने लिखी होगी, तीर्थां ते जाण दी गल कही नहीं। गुरुदेव तीर्थां ते पूजा प्रतिष्ठा कर नहीं गए, वो तो आप अकाल स्वरूप ने, उन्होंने की लोड़ है देवत्या आने की। किस लिए गए ने? नानक भूले गुर समझावै, एक दिखावै साच टिकावै। तीर्थां ते कठ बड़ा हुंदा है, समझाया गुरां ने जाके, चाहे वह काबा है तो चाहे हरिद्वार है। लोको तुसीं कृत नाल जुड़ गए हो। मैं नहीं कहता देवी देवत्या का निरादर करो, अदब करो, पर अकाल पुरख दे गीत गाओ, ओही करता है, ओही रचनहार है। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब तीर्थां दे गए। जब ही जात त्रिवैणी भय, पुन दान दिन करत बिताए। जदों त्रिवैणी पहुंचे जिथे तीन प्रवाहां का इकट्ठ है, तीन नदियां का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, इत्थे दान पुन किया। तो इत्थे भी शंका मेरे वीर कर लेंदे ने, ब्राह्मण नूं ते जिहड़ा दान करना है वो हिंदू लोग ही करते हैं, तो ये ग्रंथ हिंदू वीरां दा लिखिया होवेगा। तो वीर ध्यान दिओ, अकाल पुरख गुरु परमेश्वर सब तो वड्डे दाते ने। सतगुर दाता सबना वथोका, पूरे भाग मिलावणिया। गुरु परमेश्वर दातार ने, झोलियां भरन वाले ने। तो गुरु इज द गिवर ऑफ ऑल थिंग्स। किधर दौड़े फिरदे हो? क्राइस्ट झोली भरेगा, मुहम्मद झोली भरेगा, देवते कबरां झोली भरनगे। ठीक है, कुछ रिद्धियां सिद्धियां हुंदियां ने महापुरुषां कोल, पर इन्हां सब देवी देवते रहबरां नूं भेजण वाला अकाल स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह सब खजानियां दा खजानची है। उहदे नालों वध के झोली नहीं किसी ने भरनी। जे देवी देवत्या झोली भर भी दी तो मुक्ति नहीं देण जोगे। गुरु परमेश्वर सतगुर दाता मुक्त कराए, रोगां तो सोगां तो 84 लाख जूनां तो मुक्ति दिंदा है। मैं एक बेनती कर दवां, मेरा कोई भाव विद्वता जाहिर करन दा नहीं हुंदा, अंग्रेजी दे 2-4 लफ्ज बोलने। ये जिहड़ी ईसाई जमात है ना, ये बड़ा प्रचंड प्रचार कर रही है पैसे ना। लोग समझते ने इन्हां दे विद्वान बड़े एजुकेटेड ने, तो बड़ी एजुकेटेड दुनिया इन्हां नूं सुणदी है। उन्हां नूं दर्शाउणा पैंदा भी सिख विद्वान भी घट नहीं, कोई जिथे मर्जी चर्चा कर लिओ। हजे कि साडी लैंगुएज गुरमुखी है, हज़ारां लैंगुएजां छड्ड के साडे बापू गुरु नानक साहब ने गुरमुखी चुनी। तो इहदा भाव समझिओ, किहड़े लौड़ पिछे फिरदे हो? गुरु गोबिंद सिंह इज द लॉर्ड, खुदाया गुरु गोबिंद सिंह है। कदे पढ़े हो इंग्लिश की टीकाकारी? तो मैं सारियां नूं खुली चर्चा का सदा दिना हुन्ना है। गुरु गोबिंद सिंह नालों वड्डा कोई रहबर नहीं। लियाओ आपो अपना इतिहास, पता लग जाए कि अजमत सब तो बुलंद है। गुरु तेग बहादुर अकाल स्वरूप ने तीर्थां ते मंगते आ गए, ब्राह्मण आ गए, छत्री आ गए, बापू झोलियां भरते, उन्हें झोलियां भर दित्तियां। गुरु गोबिंद सिंह कहते उस वक्त अकाली जोत माता गुजरी दे पेट विच प्रकाशवान हुई, तही प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर विखै पाव लयो प्रकाश तो बादा। माता जी नूं साडे पिता गुरु तेग बहादुर साहब ने पटने टिका दिता। आपदी मां नानकी दे नाल, साडे मामा कृपाल चंद दे नाल, होर सिखां सेवकां नाल जोत साडी प्रकाशवान रूहे जमीन ते त्रिबैणी हुंदी है, ते शरीर साडा प्रगट हुंदा पटना शहर आके। ते उदों गुरु तेग बहादुर साहब असाम दे विच लुकाई नूं तार रहे सन। ये केड़ा दिहाड़ा है जी? पोह सुदी 7वीं 1723 विक्रमी संमत। पटना शहर खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा आगाज होया। ये कौन आया है? सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचोह मोह चुकाया। जग जीवन दाता पाया। अकाल पुरख आप गुरु गोबिंद सिंह दे रूप विच प्रगट होया है ते जेड़ा इहदी शरण आवेगा वह मुक्ति पावेगा, लिबरेशन पावेगा। जगत दे जीवन दा आधार गुरु गोबिंद सिंह दुनिया ते आ गए। गुरु तेग बहादुर साहिब नूं सुनेहा मिल जांदा है असाम, महाराज तुहाडे ग्रह विखे पटने की धरती ते बालक प्रगट होए ने, प्रकाशवान होए ने। गुरु तेग बहादुर साहिब ने हुक्मनामा भेजिया ते की लिखदे ने? बालक दा नाम गोबिंद राय रखना है। साहिबजादे दे रहाइश दे वास्ते अवल हवेली का इंतजाम करना। ये हुक्मनामे डॉक्टर गंडा सिंह हुणा पब्लिश किए हुए ने। गोबिंद राय, गो धरती, बिंद पालनहार, अकाल पुरख, राय सबना दा राजा प्रगट हो गया है। अकाल दुनिया ते प्रगट हो गया है मनुखी जामा पहन के। ते वेखो की आख्या, अवल हवेली पटने दी सब तो सुंदर ते उची हवेली विच पड़ा लवाना है गोबिंद राय दा, क्योंकि खुद खुदा ने। ते इत्थे असीं पत्थर नूं ही रोई जाने भी 1500 रुपये नूं फुट पत्थर लाता बंगला साहिब गुरुद्वारे। वो हद हो गई, तू चमदा लिफाफा है, तेरे रहन लई 1500 रुपये वाला पत्थर लग सकता है इटालियन मार्बल घर विच, वजूद भी तेरा कुछ नहीं। ते जेड़ा खुद खुदा दा दरबार है, इन्हां गुरुद्वारियां दी मर्यादा बहाल करन लई खालसे ने सिर लाए ने, तू पत्थर नूं रोई जाना है, सोने नूं रोई जाना है। पुछो गुरु ग्रंथ साहिब नूं, चंगे बस्तर, सोना, गिफ्ट, चंगियां इमारतां, ये गुरु दियां चाहिदियां ने। महाराज कहंदे पाट पटंबर बहो बिद सत कर मुख संचहो तिस पुन की फिर तोट ना आवे। जेड़ा चंगे पदार्थ, चंगे वस्त्र, चंगे उपहार गुरु दी शरण ले जावेगा, ਉਹਦੇ खजाने कदे नहीं ਮੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ गुरु ग्रंथ साहब ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜੋਗੇ? अत ऊंचा तांका दरबारा अंत नहीं कशपारा वारा। जे तेरी कोठी 2 मंजिली है तो दरबार का लेंटर 3 मंजिल ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹੂ हर समान नहीं राजा, वाहो वाहो बाणी निरंकार है। निरंकार ਦੀ ਬਾਣੀ, निरंकार ਸਰੂਪ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ। ਇਹਦਾ महल ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ बंगला साहब है। सतगुर देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावै। तो अकाल स्वरूप ने गुरदेव, इन्हां लई अवल हवेली विच इंतजाम करो रहन सहन दा। इसे तरह ही होया। पटने बड़ी सुंदर हवेली विच आसन लवाया गया गुरु परिवार दा। बागी तेवर ते बचपन तो ही ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने। जानते ने मुगलिया सल्तनत भारत वर्ष ते जुल्म कर रही है। बचपन तो ही तैयारी आरंभ कर दी। मथा लाउणा है दिल्ली दरबार दे नाल। क्यों लाउणा है? ये जालम ने ते जुल्म अवतारा महापुरुषां नूं पाउंदा नहीं। पटने विच 2 रईस हाकम सन, रहीम बख्श ते करीम बख्श। दोवें सेवक ने गुरु तेग बहादुर साहिब दे। श्रद्धालु सन। इन्हां दे बाग च गोबिंद राय जी खेडिया करदे सन। रहीम बख्श, करीम बख्श वर्गे जिहड़े निज़ाम ने जां होर जितने भी नवाब ने, अहलकार ने, इन्हां दे सवारे जदों पटने दीयां गलियां चों लंघणे ते लोकां दुआ सलाम करनी, सिर झुकाउणा। ते बच्चियां ने भी उसे तरहां ही गली विच खेडदियां ने सिर निभाना। गुरु जी ने बाला नूं एक दिन आख्या, छोटी उम्र है 50 वरियां तो ठां-ठां, कहंदे जिहड़ा सिर है ये हाकम अगे नहीं झुकाउणा, अकाल पुरख अगे, खुदा अगे उहदी याद विच झुकीदा है। बच्चों ने सिर झुकाउणा छड्ड दिता, सारे पटने विच खबर फैल गई, रौला पै गया बई गोबिंद राय बगावत कर रहा है। बचपन विच अगे हाकम लंघदे सी ते बच्चे दुआ सलाम करते सी, हुण दंदियां चढ़ाउंदे ने। उलामा पहुंचया माता नानकी, माता गुजरी, मामा किरपाल चंद नूं साहिबजादे दे तेवर बागी ने, इहदी सोच बागियां वाली है। औरंगजेब का राज है, मुश्किल खड़ी हो सकती है, तुहानूं सजा मिल सकती है, तुहानूं बच्चों नूं दुआ सलाम करनों हटा दिता तुहाडे गोबिंद राय ने। मामा किरपाल चंद जी ने चिंता की। गुरु तेग बहादुर साहब उस समय पटने तो अगे चिटगाम सन, उथे गए, जाके सारी बात दसी, गुरदेव औरंगजेब का जालमाना राज है, किते कोई अनर्थ ना हो जाए। गोबिंद राय जी ऐसे कर्म कर रहे ने, बगावत कर रहे ने। हुक्मनामा लिखिया गुरु तेग बहादुर साहब ने पटने की संगत लई भी फिक्र ना करो, बोल की सन गोबिंद जो किया भला किया, किसी भी सरकारी अहलकार को सलाम नहीं करनी, जे घर आए ही बैठे पवांदी देनी, सरांदी ना देनी। डॉक्टर गंडा सिंह ने यह भी हुक्मनामे पब्लिश किए ने। इहदा भाव की सी समझियो, गोबिंद राय जी ने जो किया ठीक किया है, सच्चे साहिब अकाल पुरख तो लहदा किसे अगे नहीं चुकना। जे उलामा लैके कोई सरकारी अहलकार गुरु दरबार विच आ भी जावे, वेखियो किते गोबिंद राय दे सराणे ना बिठा दिओ, उसनूं पैंद वल बिठाउणा है, चरना वल बिठाउणा है, सरांदी नहीं पवांदी बिठाउणा है। क्यों जी? गुरु घर विच मीरी ते पीरी इकट्ठियां ने, पर पीरी उची है मीरी नीवी है, भगती उची है शक्ति नीवी है। भगती नूं तख्त मिलिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, ते शक्ति नाल है दसम ग्रंथ। भगती उची है हरमंदर साहब, शक्ति काल तख्त चरना वाल बनया होया है, जाके वेखियो कदे। तो ठीक कीता है। गुरु नानक दे तख्त दे इन्हां वारस बनना गोबिंद राय जी ने, इन्हां दे सराणे नहीं कोई अहल कर बहना चाहिदा। गुरु गोबिंद राय जी बचपन तो ही बेमुहताज ने, सतगुर मेरा बेमुहताज, मां गुरु इज टोटली इंडिपेंडेंट, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता। गुरु अकाल स्वरूप है, मुथाजी नहीं रखता, किसी तो नहीं डरदा, ये बचपन तो ही बागी तेवर रखता है। ये सुभाव प्रगट है उन्हों का। समा आया, औरंगजेब ने ऐलान किया तिलक जंजू खत्म कर देवांगा, केवल दीने इस्लाम रहेगा भारत विच। उन्हें वेख्या कले कले हिंदू का जंजू लाना बड़ा मुश्किल है, गिणती बड़ी है हिंदुओं की। जे हिंदू धर्म के आगू दीने इस्लाम आ जाण ते आगूआं दे पिछे हिंदुओं ने आपे जंजू ला देना है। उन्हें टारगेट किया कश्मीरी पंडितां नूं, क्योंकि सनातन मत दे आगू सन, ते तुहानूं पता है जिथे मुरशद गया उत्थे मुरीद तुर पैंदे ने। कृपा राम दत्त 500 पंडित का वफद लैके हिंदू धर्म को बचाने के लिए आनंदा की पुरी गुरु तेग बहादुर की शरण जाके तरला लेंदा है। राखो अब हिंदन की टेक, नाहित जग मह रहे ना एक धर्म पृष्ठ जब सगरे होए पूज्य है सुर आदक नह कोए। आया गुरदेव हिंदू धर्म मिट जाएगा। सवा मन जंजू रोज लाउंदा है औरंगजेब ते हिंदू वीरां दे जंजू दा भार बड़ा थोड़ा है, धागा हुंदा है सवा मन। किन्ने जंजू लैण तो बाद इकट्ठा हुंदा होवेगा, तुसीं आप सियाणे हो। इन्ने जंजू लाउंदा सी जां लालच दे के लाउंदा सी जां डर दे के लाउंदा सी जां कतल करके लाउंदा सी। जिहड़ा बंदा तख्त ते बहण लई अपने पिता बादशाह शाहजहान नूं कैद विच रख के कतल करवा सकदा है, दसो तुहाडे नाल की असर करेगा। तो सफाइयां देणियां छड्ड दिओ भी औरंगजेब दुष्ट नहीं सी। कलगीधर पातशाह ने साफ उहदे पाप ज़ाहर कीते ने। शहनशाह औरंगजेब आलमीन केदाराए दौरस्त दूरस्त दीन जफरनामे दे बोल। कलगीधर कहंदे शहनशाह औरंगजेब लिबास धार्मिक है, दीन तो धर्म तो दूर है, पाप करदा है, तो बड़ा जालम बंदा है। भाई कतल कीते तख्त मलन लई, भैण दा कतल करवाया ज़ारा दा तख्त मलन लई। किथे छुपाओगे उहदे कुकर्म, किधरे नहीं टके जाने। पंडित बेनती कर रहे ने। 9 वरियां दे गोबिंद राय जी ने सुनिया, हाथ जोड़ के कहंदे पिता गुरु तेग बहादुर महाराज मजलूमां दी सहायता करो, धर्म लई सिर दिओ। गुरदेव कहंदे ठीक है, कृपा राम दा औरंगजेब नूं कह दिओ साडा मुर्शद गुरु तेग बहादुर है, जो दीने इस्लाम विच आ गया ते सारे ही हिंदू जंजू ला के इस्लाम विच आउणगे, ते जे गुरु तेग बहादुर ना झुके ते तू धक्के नाल जंजू नहीं लावेंगा। औरंगजेब हंकारी बंदा कसम उठा लई कुरान दी, कहंदा किहड़ी गल है एक फकीर नूं मैं पल विच चुका दवांगा। भुलेखे विच रह गया, ये चुकण वाले नहीं सन गुरु तेग बहादुर, खुदा सरूप सन। पर जाण लग्या गोबिंद राय जी नूं एक गल कही, लाल जी मैं धर्म लई सिर देण चलिया, तुहाडे लई घाटेवंदा सौदा है, तुसीं जतीम हो जाना। ते पिता दा साया जदों सिरों उठ जावे ते लोकां दी नज़र बदल जांदी है। आपां वेखिया ना जतीम गलियां विच फिरदे हुण जिहड़ा मर्जी पटोकी मार दिंदा है, कंन ते टका दिंदा भी इहदा किहड़ा बाप है। जे स्कूल जांदे ते उत्थे कुट पैंदी है, इहदे पिछे किन्ने आउणा है। हालत ऐसी हो जाएगी तरसयोग। 9 वरियां दे गोबिंद राय जी ने जेड़ा जवाब दिता सी ना, कहंदे पिता जी तुहाडे सीस दित्तियां गोबिंद राय इकला जतीम होवेगा, पर जे तुसीं सीस ना दिता ते भारत वर्ष दे लखां बच्चे जतीम हो जाने ने। ये सौदा फायदेमंदा है, मैं जतीम हो जावां पर भारत वर्ष दे लखां लाल मैं जतीम नहीं होण देने। निडर बोल सुन के गोबिंद राय जी दे गुरु तेग बहादुर साहिब ने आख्या सी शाबाश, गुरता गद्दी दे वारस बनन लई तुसीं तैयार हो, समा आया। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मह साका, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया, ठीकर फोर दलीस सिर प्रपुर किया पयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हू आन। गुरु तेग बहादुर शहीद होए, औरंगजेब मजबूर हो गया, धक्के नाल जंजू लाउणा छड्डना पिया। इथों की समझ पैंदी है गोबिंद राय जी दे सुभाअ दी, सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हर अमृत मुख नाम दिया, वा गुरु इज ऑलवेज मर्सीफुल। बड़ा दयावान है, तरस करदा है साडे ते। हिंदू धर्म नूं तरस करके रख लिया। एक इथों समझ होर पैंदी है, सुख दुख जह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत। भगवान अकाल स्वरूप क्यों ने गुरु गोबिंद सिंह इन्हां ते सुख दुख दा असर नहीं। आप अपने पिता नूं शहीदी लई तोरिया ते जदों रंगरेटा गुरु का बेटा भाई जैता दिल्लियों सीस लैके गया नंदा दी पुरी, सीस वेख के नमस्कार कीती है, ताहा नहीं मारियां, ते जेदे ते सुख दुख दा असर नहीं, वो ते भगवान है, अकाल स्वरूप है, वो दुनियावी टीचर वर्गा गुरु ना समझो। हथीं संस्कार किया गुरु तेग बहादुर साहब दे पावन सीस दा, ते तड़दा संस्कार बाबा लखी शाह बनजारे ने दिल्ली विच कीता, जिथे उहदा महल सी, महल नूं ही अग्न भेट कर दिता। बड़ा तकड़ा व्यापारी सी, औरंगजेब दीआं फौजां लई राशन दा प्रबंध करदा सी। अज उस पावन जगह दे उत्ते गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बनिया है। खैर दुख सुख तो रहत मूर्त सी गोबिंद राय जी दी। 9 वरियां दी उम्र विच गुरु नानक दे तख्त दे 10वें वारस बने ते हथ चंडी पकड़ी, तलवार पकड़ी, इंसानियत दे वैरियां नूं दंड देना है। झुंकार अज हमाहील ते दरगुजश्त, हलालस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। औरंगजेब तू प्रेम दी भाषा नहीं समझी, मैनू मजबूरन तलवार उठानी पई। मैं जुल्म करन लई नहीं तलवार उठाई, जुल्म नू रोकण लई तलवार उठाई है। सियारग नू सींह बनाउण लई, गिदड़ा नू शेर बनाउण लई 1756 बिक्रमी संमत 1 वैसाख नू आनंदपुर दी धरती ते खंडे दी पौल प्रगट कीती गुरां ने। गुर के भाणे विच अमृत है सहजे पावै कोए, जिन्ना प्राप्त तिन पिया हौमै विच हो होए। अमृत बख्श के सतगुर मेरा ताण नताण, सतगुर मेरा कर दी बाण। मा गुरु इज पावर ऑफ पावरलैस। मजलूमा नू मंसूर बना दिता। भाई नंद लाल ने हमी परी, शेर आने अफवाजे मंसूर अशयकाताज। गुरुदेव ने गुलाम जंग जितन वाले मंसूर बना दिते, मलक बना दिते, देवतियां वर्गी रहमत बख्श दिती। ये खंडे दी पौल दी बरकत है। जब जाप सवैये चौपी आनंद सो पाठ सो पाहुल तैयार करी जाए। भाई जैता जी अमृत बिद विच लिखदे, जब जाप सवैये चौपी आनंद 5 बाणियां पढ़ के 2 आदि ग्रंथ दियां, जपजी साहब आनंद साहब 3 दसम ग्रंथ दियां, जाप साहब सवैये चौपई अमृत संचार कीता आनंदां दी पुरी। फिर इंसानियत दी खातर मुगलिया सल्तनत औरंगजेब अते 22 धार दे राजपूत राजियां नाल 14 जंगां कलगीधर ने लड़ियां। कादे लई? काटी बेरी पग है ते गुरकीनी बंद खलास, सानू मुक्ति दिवाउण दे लई। क्योंकि महमूद गजनवी दे समय तो 1021 ईस्वी तो भारत गुलाम सी। गुरनाल तुलना लग गई खोज डिठा ब्रह्मंड। इन्नी अजमत दा गुरु मालक है, उहदे वर्गा कोई सरूहे जमीन ते दूजा नहीं। इसे करके 14 जंगां विच गुरु गोबिंद सिंह दा वाल विंगा नहीं कर सकिया औरंगजेब ते ना 22 धार दे राजे। बार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करणै हारा, वो करणहार है, वो अकाल स्वरूप है। ऐसी उहदी अजमत है, ऐसी उहदी पहुंच है। ये गुरुदेव दी हस्ती बुलंद है, उहदे वर्गा कोई नहीं दुनिया ते। सतगुर जेवड अवर ना कोई, गुरपार ब्रह्म परमेश्वर सोए। जन्म मरण दुख ते राखै, माया बिख फिर बहुड़ ना चाखै। दीन दुनिया दे मालक ने साडे घर दे चिराग बलदे रखण लई अपने घर दे चारे ही चिराग बुझा दिते। बाबा जीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर दी गढ़ी 8 पो नूं शहीद होए। 10 लाख फौज नाल लड़दे। गुर सिंह चेकारे कुनद चहल नर के दहल अकबर आयद बरो बेखबर। 40 भुखे सिंह 10 लाख फौज ना लड़े। 17 तो 18 साल की उम्र सी बाबा जीत सिंह दी। 14 वरियां दे बाबा जुझार सिंह 10 लाख नंगियां तलवारां ते नच के शहीद होए। 13 पो नूं बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह 9 ते 7 साल की उम्र विच सरहंद नाजम वजीर खाने नीया विच चण के शहीद कीते। सिखी दे महल विच सिर दे के ऐसी नींव पक्की कर गए, रहिंदी दुनिया तक ये महल डोलेगा नहीं। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा कौन है? ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, गर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। जे वो तलवार ना लहराउंदे, ना गुरुद्वारा होना सी, ना आसा दी वार, ना मंदिर होना सी, ना गायत्री। बुले शाह मुसलमान कहता है हर मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद बनना सी ते इत्थे बांगां दित्तियां जाणियां सन। ये देन गुरु गोबिंद सिंह दी है। भारत वर्ष इंसानियत गुरां दा एहसान नहीं भुला सकती। तो एक होर बेनती कर दवां, एक बड़ा भरम तुहाडे च पालिया गया है, बड़ा कुफर तो लिया जाता है। अखे जी नानकशाही कैलेंडर रद्द कर दिता। मेरी बेनती गौर नाल सुनियो। 2003 विच सिख धर्म के इतिहास नूं मिथ बनाउण दे लई एजेंसियां ने एक कामरेड पुरेवाल कोलों नानकशाही कैलेंडर लागू करवाया। हिंदू धर्म के साका कैलेंडर की कॉपी। उन्हें पहली गलती यह की संगरांदा अपने अनुसार फिक्स कर दित्तियां। ईस्वी कैलेंडर के बिहाफ से संगरांद फिक्स नहीं हो सकती। संगरांद की हुंदी है? जदों सूरज अपनी चाल चलता है ना, एक राशि तो दूजी रास विच जांदा है तो उस समय की तब्दीली नूं संगरांद कहिंदे ने। ते सूरज की चाल तुसीं किवें फिक्स कर दोगे? सिख जगत के अंदर सुधी वधी दे नाल प्रकाश ते ज्योति जोत दिहाड़े 10 गुरु साहिबाना दे मनाए जाते हैं। तो संगरांद सूरज के अकॉर्डिंग है, प्रतिष्ठिया के अकॉर्डिंग। सिख धर्म चंद ते सूरज के मिश्रित कैलेंडर नाल चलता है। जे असी दिहाड़े फिक्स कर दिते ना ईस्वी के अनुसार, बिक्रमी चो निकल के नानकशाही सम्मत बिक्रमी पैटर्न नाल चलता है। आदि ग्रंथ साहब रद्द होणगे साडे जो गुरुदेव ने, दसम ग्रंथ रद्द होवेगा, गुर इतिहास रद्द होवेगा, महान कोश आदिक रद्द होणगे। धार्मिक इतिहासिक जिन्ने भी ग्रंथ ने ये रद्द हो जाणगे। क्यों जी? दसम ग्रंथ विच सारियां ही डेट्स बिक्रमी पैटर्न ते है। सम्मत 17 सहस पणिजै अर्ध सहस पुनतीन कहजै। भाई गुरदास जी ने बिक्रमी पैटर्न जारी रखिया। कारतक मास रुत सरद पूर्णमाशी, गुरु नानक साहब का प्रकाश कारतक मास की पूर्णमाशी नूं होया। सब तो वड्डी उदाहरण ते वड्डा रुतबा गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दा। जदों साडे गुरु नानक देव महाराज ने बिक्रमी पैटर्न फॉलो किया है, तुसीं कौन हुंदे हो ईस्वी पैटर्न वल जाण वाले? की अर्थ रह जाएगा इस पंक्ति का? आवन 78 जान 97 होर भी उठ सी मर्द का चेला। ये तो बिक्रमी दियां डेट्स ने। तुसीं ते आप बाणी रद्द कर रहे हो। गुरु नानक ने सानू आख्या सी तुसी हिंदू जंजू करके जे ते जंजू नहीं पाउणा। गुरु नानक ने नहीं आख्या भी बिक्रमी कैलेंडर के पैटर्न नूं मनोगे तां हिंदू हो तुसी। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट। सानू ते इह किहा गुरुदेव ने धागे दा जंजू नहीं पाउणा, संतोख दा जंजू पाउणा है। तो गुरदेव उदन नाल भी कह देंदे भी बिक्रमी पैटर्न नहीं फॉलो करना तुसीं हिंदू बन जाओगे। रब दा वास्ता जे ओए, सूरज चंद किते धर्मां विच वंडे होए ने नहीं। गुरु नानक तो ही नानकशाही सम्मत चलिया है, नानकशाही कैलेंडर नहीं, जो बिक्रमी पैटर्न नाल चलदा आया है। पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश नाही। गुरु नानक अकाल स्वरूप ने, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ते गुरु नानक दे हुक्म नूं कौन कट सकदा है? पर कटिया गया। पता नहीं की कारण बनया, अकाल तख्त साहब तो नानकशाही कैलेंडर कामरेडां दा जारी होया। बाद विच ओ अकाल तख्त साहब तो ही कैलेंडर रद्द किया गया। मैं इको ही गल कहांगा, तुसीं कहंदे हो 5 जनवरी फिक्स कर दईए गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश, ओह सुदी 7वीं नूं असीं नहीं मनना। हुण महाराज का प्रकाश उदों होया पो सुदी 7वीं, उदों 22 दिसंबर सी। जे तुसीं 5 जनवरी फिक्स करता, किन्ने दिन उम्र घट गई गुरदेव दी? 9 दिन तो सीधे ही हो गए, दिसंबर दे 22 तो 31 तक। ते 5 दिन जनवरी दे 14 दिन उम्र घट गई 350 साल गुरां नूं हो गया। मल्टीप्लाई करो गुरां दी किन्ने साल एज घट गई। हुण जदों गुरां दी एज घट गई कल नूं तुसीं 5 जनवरी नूं दिहाड़ा मनाई जाओ। इतिहास की कथा विच पोसुदी 7वीं आया तुहाडे बच्चिआं ही तर्क करना ओ झूठ मारदे हो। 5 जनवरी प्रकाश दिहाड़ा है। कल नूं सनातन मत आखेगा सानू मिथ कहिंदे हो। साडे कोल डेट्स नहीं सन श्री रामचंद्र महाराज के आगाज दियाँ कृष्ण जी के आगाज दियाँ तो तुहाडे कोल किहड़ियां डेट्स हैगियां। वो किताबां ते तुहाडियां झूठियां ने ग्रंथ ते झूठे ने। तुसीं ते 5 जनवरी ईस्वी ना फिक्स कीती है। नाले सानू गुरु दा हुक्म है बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। जो गुर दसै वाट मुरीदा झोलिए ते तुसीं झूठ दे उत्ते ही गुरु साहिब दा प्रकाश फिक्स कर रहे हो। नहीं जी हरख सोग इकट्ठा किवें मनाईए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश ते बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह की शहीदी इकट्ठे रल गए। पहली गल ते सिक्खी विच हरख सोग नहीं हुंदा, आनंद ही आनंद है। शहीदां दा सोग नहीं मनाया जाता, वैराग विच शब्द गाए जाते ने। सिख चाहे प्रकाश मनावे चाहे ज्योति जोत चाहे शहीदी दिहाड़ा करना ते कथा कीर्तन है। असीं किहड़े वैण पाउने ने, असीं किहड़े गंदे मंदे गीत गा के नचना टपना है। नाले बाणी ते कहंदी है हरख सोग दोहूं ते मुक्ते सदा अलिप्त जोग अर जुगते। सिख इस भंबल भूसे तो हरख सोग तो बाहर है। 2003 विच नानकशाही कैलेंडर लागू होया ते जे असीं 550 वरा हिंदू नहीं बने ते 2003 तो बाद जे हुण कैलेंडर रद्द हो गया असीं हुण ही हिंदू बनांगे। ये सारा भंबल भूसा 2003 तो बाद पैदा होया। असीं 4-4 5-5 संग्रांदा करतियां, 2-2 4-4 असीं प्रकाश ते ज्योति जोत दिवस मनाउण लग पे। सिखो पंथ दा हुक्म पंथ दा फैसला पंथ बदल सकदा है। गुरु दा फैसला ना तख्त ही बदल सकदे ने ना पंथ ही बदल सकदा है। क्यों जी सब ते वड समर्थ गुरदेव। ये गल जहन विच टका लो। खुला सदा है जे किसी ने विचार करनी होवे। असीं नानक शाही समत दे पुजारी आ कैलेंडर दे नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहिब नूं फॉलो करो। भुल चुक दी खिमा। खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े दी लख लख वधाई।